तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोगों, और स्वागत है आप सभी का स्वराज्य क्रिएशंस इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं भारत का सबसे पहला छत्रपति शिवाजी महाराज इनका मंदिर। जी हाँ, मंदिर, मेरी वीडियो आ चुकी है श्रीशैलम मल्लिकार्जुन पे। लेकिन श्रीशैलम मल्लिकार्जुन का चौथा जो गोपुर है, मतलब चौथा जो मंदिर है, मंदिर के मेन मंदिर के बाजू का, वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का है। तो मैंने दिखाया तो था, लेकिन बट मतलब रियल नहीं दिखाया था, तब जैसा था वैसा मैंने दिखाया नहीं था। इसलिए सोचा कि आज मैं इस पर ही वीडियो बनाता और वही मंदिर के कंस्ट्रक्शन में जुड़ा था दो तीन दिनों से। ये देखिए, ये मंदिर है जो रेड कलर का दिख रहा है, जो लाल महल के टाइप का दिख रहा है, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का लाल महल की प्रतिकृति बनाने की कोशिश की है इन्होंने। मतलब उनके स्मृति स्थल है, एक स्मृति केंद्र जिसे वो कहते हैं। आप कभी श्रीशैलम मल्लिकार्जुन गए तो ज़रूर जाइएगा, इस मंदिर दर्शन कीजिएगा छत्रपति शिवाजी महाराज जी के। और चलते हैं अभी मंदिर के अंदर। और दर्शन करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए मुझे, नहीं पुष्टि मार्ग क्रिएशंस, इनको, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि इनके मतलब 100 सब्सक्राइबर होने में ले कुछ कुंचुम सब्सक्राइबर बाकी है। मतलब तेलुगु भी अभी सीख रहा हो, कुंचुम मतलब कम सब्सक्राइबर बाकी है। जाओ सब्सक्राइब करो, 100 सब्सक्राइबर उनके कर दो, और उन्हें भी खुशी हमें भी खुशी मिले इस वीडियो के साथ साथ। और ये कुंचुम दर्शन छत्रपति शिवाजी महाराज की, कम दर्शन, ये उनकी रियल मूर्ति है वहाँ की, जहाँ पर घोड़े और उनकी मूर्ति लगाई गई है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का। उनका मतलब जब वो जीवित थे, उनके कालखंड का, उनके जीवन जब जीवित थे वो, तब उनका पहला स्मारक है ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का। नहीं तो फिर मैं अभी हैदराबाद में हूँ, मेरे मौसी के घर पे हूँ हैदराबाद में, महाराष्ट्र में अभी नहीं हूँ। तो मैंने देखा हैदराबाद के एक चौक में, वहाँ पर भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पुतला स्मारक बनाया गया है। मतलब हैदराबाद में भी है छत्रपति शिवाजी महाराज जी, महाराष्ट्र के और संपूर्ण भारत के और संपूर्ण विश्व के कोने कोने में छत्रपति शिवाजी महाराज जी बसते हैं। अभी चलते हैं, अभी यहाँ की मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं, ज़रा देखते हैं। कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छा करने का कोशिश किया मैंने, काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन है। अभी यहाँ पर आया हूँ ना तो सब तेलुगु लोग हैं, तो तेलुगु सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब तेलुगु ले दूँ, मतलब तेलुगु मेरे को आती नहीं है, फिर से भी ट्राई तो कर रहे हैं। आगे जो देख रहे हो वो पंढरपुर है। हाँ, पंढरपुर, आषाढ़ी एकादशी को पंढरपुर देखने को मिलेगा। अब मैं रेवुल नहीं करने वाला था, लेकिन क्या करें, मंदिर तो पंढरपुर के बाजू में मैंने बना दिया, तो ठीक है। शिखर वगैरह देख लो पंढरपुर के, अभी भी पूरी वीडियो तो आषाढ़ी एकादशी को ही देखना, और वारकरी समाज, दिंडी वगैरह सब उसमें पूरी वीडियो में सब मिलेगा, कीर्तन वगैरह सब मिलेगा, भजन वगैरह सब मिलेगा। लेकिन अब भी चलते हैं शिवाजी महाराज जी के स्मृति स्थल पर। यहाँ से होके आगे चलते, कंस्ट्रक्शन आप देख लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन काफ़ी खतरनाक किया है। बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं, कुछ भी झोपड़ा वगैरह बना के नहीं दिखाते, जो रियल है वो रियल है, तो रियल बनाने की कोशिश की है मैंने। मतलब मैं गया नहीं, लेकिन गया होता तो और भी रियल बनाने की कोशिश ज़रूर करता। और ये जो गूगल से मिली हुई कुछ इमेजेस वगैरह, उससे ट्राई किया गया है। ये देखिए शिखर भी, ये शिखर जीजुरी टाइप का है, मतलब जीजुरी खंडोबा का शिखर जैसा था ना, वैसा ही है शिखर वहाँ का भी रियल में भी, और वैसा ही बनाने का भी कोशिश मैंने किया है। अगर हमारे विदांश भाई बनाते तो और अच्छा बनाते। और आपको अगर बैकग्राउंड नॉइज सुनाई दे रही होगी तो ज़रा मतलब ट्राई कीजिएगा, मतलब एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं शूट कर रहा हूँ टेरेस पे, क्योंकि अभी घर में तो नहीं कर सकते ना सबके सामने। और मेरे हेडफोन्स भी नहीं है बोट के, मेरे हेडफोन्स होते तो और अच्छी हो वॉइस आती, आपको नॉइस ज़रा कम ही आती। यहाँ पर देख लीजिए स्मृति स्थल के, स्मृति केंद्र के आगे महादेव जी का शिवलिंग, और अभी चलते हैं इसके अंदर। यहाँ पर ना दीवारों पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का शिवचरित्र की कुछ तस्वीरें लगी होती है, मतलब यहाँ पे जो आया उसको छत्रपति शिवाजी महाराज पता हो या नहीं हो, मतलब बाद में बात करते हैं। ये जो मूर्ति दिख रही है वो वहाँ की है, भवानी देवी और छत्रपति शिवाजी महाराज जी की ध्यान मुद्रा में बैठी हुई मूर्ति। तो यहाँ पर अगर कोई आया जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज जी पता नहीं है, तो यहाँ से जाते वक्त उसे संपूर्ण शिवचरित्र पता हो जाए, ऐसी व्यवस्था यहाँ की सरकार ने, यहाँ की गवर्नमेंट ने और यहाँ की संस्थान ने की है। तो मैं, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा ये मंदिर वगैरह। और नेक्स्ट मंदिर का कंस्ट्रक्शन भी चालू है, ट्राई कर रहा हूँ साउथ इंडियंस के मंदिर बनाने का, क्योंकि साउथ इंडिया में आया ही हूँ। तो पंढरपुर तो बन ही रहा है, रायगढ़ की लाइव भी मेरे बर्थडे के दिन हो रही है, मतलब होगी बर्थडे के दिन, आपको पता होगी तारीख, तो गेस कीजिए और बताइए मुझे। और सब्सक्राइब कीजिए वीवी गेमिंग पॉइंट इन्हें, क्योंकि वो हमारे साथ है, रायगढ़ ग्रुप पे ज्वाइन हो चुके हैं हमारे साथ, काफ़ी अच्छे मतलब यूट्यूबर है, और हम साथ में कोलैब्स भी करने वाले हैं। तो सपोर्ट कीजिए उनके चैनल को भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और सबसे पहले पुष्टि मार क्रिएशंस को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन यार मेरे भाई है, सब्सक्राइब कीजिए उन्हें, उनके जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो, हमारे हो या ना हो उनके ज़रूर हो, ऐसी मैं भगवान को दुआ करता हूँ। और
अभी तो क्या वीडियो मतलब ख़त्म भी हो रही है, मुझे भी कुछ सूझ नहीं रहा है, तो ख़त्म ही कर देता हूँ मैं अभी वीडियो। ओके, अरे ख़त्म नहीं, सॉरी मैं भूल गया था, बताने ही वाला था कि मैं सब सब्सक्राइबर के लिए सर्वर बना रहा हूँ। अगर जिसको मेरे साथ मल्टीप्लेयर खेलना हो तो ज़रूर मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इंस्टा पे मुझसे जुड़िए, रायगढ़ ग्रुप से जुड़िए, और व्हाट्सअप ग्रुप जो है हमारा रायगढ़ ग्रुप, नए यूट्यूबर्स को मैंने एक स्थान दिया है। मतलब कोई है इच्छुक व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ने के लिए मेरे साथ, जिसमें मैं किसी को लेता नहीं लेकिन दे रहा हूँ, एक संधि दे रहा हूँ आप सभी यूट्यूबर को। अगर ज्वाइन होना है मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जल्द मुझे कमेंट कीजिएगा। जो 3 लकी पर्सन जल्द से जल्द कमेंट करेंगे, मुझे अच्छी लगेगी उनकी कमेंट, मैं उन्हें रायगढ़ ग्रुप को ज्वाइन कर लूँगा। और कोई एक आदमी है गिरनार गेमर शायद से मुझे गुजराती सिखाना चाहते हैं, सिखाइए, ज़रूर सिखाइए। भारत की हर लैंग्वेज में सीखना चाहूँगा क्योंकि भारत के हर कोने में मेरी वीडियोस पहुँचती है। अभी तेलुगु सीख रहा हूँ, जल्द से जल्द गुजराती सीखूँगा, अलग अलग वीडियो बनाता रहूँगा, अलग अलग लैंग्वेज में बनाता रहूँगा। सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को और पुष्टि मार्क क्रिएशंस को भी और वीवी गेमिंग पॉइंट को भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय श्री राम, जय हनुमान भी बोल देता हूँ, बुरा ना लगे।